हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिमॉलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो थी उसका इंटीग्रेटेड इंटीग्रल मेथड से हम लोगों ने काइनेटिक्स देखी थी। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो किस टाइप की रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इरिवर्सिबल बाई मॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कितने दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो होती कि एक ही आपका रिएक्टेंट है, उसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स हों, दो अलग अलग रिएक्टेंट के एक एक मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हों प्रोडक्ट। तो दो टाइप से बायमॉलिकुलर रिएक्शंस हो सकती हैं। इस रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? आर ए इज इक्वल टू माइनस डेल सी ए ओवर डेल टी इज इक्वल टू, ये किस टाइप की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन की टू द पावर टू आएगी। वो बायमॉलिकुलर बोल रहे हैं कि मॉलिकुलरिटी कैसे डिफाइंड होती है, जो ये नंबर ऑफ ये कोफिशियंट है आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट, वो है आपका मॉलिकुलरिटी। तो यहाँ पे ये बायमॉलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका टू हो गया। तो हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस आर इज इक्वल टू माइनस डेल सी ओवर डेल टी के सी ए स्क्वायर लिख दिया इस तरह। लेकिन इस वाली रिएक्शन का किस तरह लिखेंगे हम लोग? माइनस आर ए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन ए का लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल सी ए और डेल टी, और इसी को माइनस डेल सी बी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू, अगर इसमें कंसंट्रेशन के टर्म में जब लिख रहे हैं, के सी ए टू द पावर वन सी बी टू द पावर वन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? टू। इसमें एक कंडीशन और है कि इनिशियल जो मोल्स हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में उस टाइप के रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें इनिशियल मोल्स आप दोनों रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, मोल्स भी एक ही चीज़ है अगर जब इनिशियल कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है। इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की डिफरेंट भी हो सकती है, वो केस अलग बनता है, तो उसके केस के बारे में हम लोग अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन इस केस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए सी बी। अब हम लोग कन्वर्जन के हेल्प से जानते हैं कि कन्वर्जन, मान लीजिए ए अगर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जब दोनों के मोल सेम है तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे, जब मोल से आपने इनिशियली बेसिकली सेम लिया है, तो कोई पहले तो कंज्यूम होगा नहीं, और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट दोनों का एक है, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट एक है, मोल सेम है, तो दोनों बराबर रिएक्शन करेंगे, कोई लिमिटिंग रिएक्टिंग नहीं होता। तो चाहे ए के टर्म में हम लोग डिफाइन करें, चाहे बी के टर्म में, ए के टर्म में जब डिफाइन करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे? सी ए किसी भी टाइम पर जो कंसनट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं क्या होते थे? सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए, ये लिख सकते थे। और जब हम लोग सी बी के बारे में लिखते थे, सी बी इज इक्वल टू सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट एक्स बी, इस तरह लिख सकते थे। लेकिन जब हम लोग को एक ही कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना होता था तब हम कैसे लिखते थे? तब हमारा क्या होता था? सी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे हम लोग? सी ए नॉट एक्स ए लिख सकते थे, और यहाँ पे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट आता था तो वो लिख सकते थे। तो सी बी नॉट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियंट वन है, तो यहाँ पे हम लोग सी ए नॉट एक्स ए इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे सी बी नॉट एक्स बी होगा, सी बी नॉट एक्स बी बराबर सी ए नॉट एक्स ए। अब हमने क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन सेम माननी है, सिंस वी हैव अज्यूम दैट सी बी नॉट बराबर सी ए नॉट, इस तरह हमने माना है, तो सी बी जो कंसंट्रेशन होगी आपकी, सी बी बराबर क्या हो जाएगी? सी ए सी बी, सी बी नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए। तो सी बी बराबर क्या हो गया? यहाँ ये एक्सप्रेशन देखिए,
यहाँ पे सी ए नॉट एक्स एक्स ए की हेल्प से, सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए वो किसके बराबर है, सी ए के बराबर है, और सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए क्या है, तो सी ए, तो सी बी बराबर हम लोग सी ए लिख सकते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन में। तो हम लोग का फाइनल जब सी बी बराबर सी ए रिप्लेस करेंगे तो रेट एक्सप्रेशन आपकी क्या बनेगी, माइनस आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए, और सी बी की जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, सी ए लिख देंगे। तो सी ए टू द पावर वन, सी ए टू द पावर वन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो माइनस आर ए इज इक्वल टू के टाइम्स सी ए स्क्वायर, ये फाइनली आपका रेट एक्सप्रेशन बना। तो रेट एक्सप्रेशन देखिए दोनों केसेस में सेम है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या थी, जो इनिशियल कंसंट्रेशंस हमने ली थी ए की, रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की, वो दोनों सेम थे, तो सी ए नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट था, तब हम लोग रेट एक्सप्रेशन इस तरह लिख पाए थे। अब इंटीग्रल मेथड में से हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखते थे, ऑर्डर एज्यूम करते थे और रेट एक्सप्रेशन लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे, टर्म्स को सेपरेट करते थे। तो और ये माइनस आर ए इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी सी ए ओवर डी टी, तो फिर यहाँ पे एक बार माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर, ये दोनों केसेस के लिए ये रिएक्शन हमारी बन गई, ये रेट लॉ हमारा बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सेपरेट करते थे टर्म को या रीअरेंजमेंट करते थे। तो सी ए के टर्म को इस इधर लिखते थे, सी ए डेल सी ए के साथ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इंटीग्रल हम लोग करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, कंडीशंस क्या होती थी, लिमिट्स के साथ, इंटीग्रल विथ लिमिट, लिमिट हमारी क्या बनेंगी, अब जब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो कंसंट्रेशन सी ए की कितनी होगी, सी ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट होगी, जब टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टी होगा कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, उस वक्त कंसंट्रेशन हम लोग सी ए की बोलते हैं, उस वक्त कंसंट्रेशन सी ए होगी। तो इंटीग्रल जब इसका करेंगे तो माइनस साइन हम लोग बाहर ले ले रहे हैं, अपना क्या आ गया, डी सी ए ओवर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, एक कॉन्स्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो के बाहर हो जाएगा, और टाइम पे भी नहीं डिपेंड करता अगर टेम्परेचर हम लोगों ने कॉन्स्टेंट रखा है। तो आइसोथर्मल रिएक्शंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ज़ीरो टू टी डी टी। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये क्या होता है, जैसे एक्स की पावर माइनस टू पर लिख देंगे डी एक्स, अब ये किसके फॉर्म का हो गया, एक्स टू द पावर एन का, डी एक्स के फॉर्म का हो गया, वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अपना यहाँ से देखिए अपना किस फॉर्म का है, एक्स की पावर माइनस टू के फॉर्म का है डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्स की वन बाई एक्स माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, और माइनस वन को नीचे करेंगे माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, तो इस फॉर्म का हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन सी ए से, सी ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन थी, फाइनल कंसंट्रेशन सी ए हो रही है जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, तो माइनस साइन ये बाहर है आपका, ये क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन बाई सी ए, यहाँ से देखिए इसका माइनस वन बाई सी ए आया, और लिमिट्स आपके कहाँ से हैं, सी ए नॉट से सी ए डेल माइनस डेल सी ए, डेल सी ए यहाँ से देखिए माइनस माइनस साइन आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, के टी, के टी माइनस ये, अच्छा टी आ गया, लिमिट्स ज़ीरो टू टी होगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अपने इधर एक वन बाई सी ए लिमिट्स हैं कितनी, वन बाई सी ए नॉट, सॉरी सी ए नॉट से सी ए इज इक्वल टू के टी माइनस ज़ीरो, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट्स रख देंगे तो वन माइनस सी ए माइनस वन माइनस सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ये आपकी एक्सप्रेशन बनी कंसंट्रेशन के टर्म में, जब हम लोग लिखना चाहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बाई मॉलिकुलर रिएक्शन,
तो ये एक्सप्रेशन बनी। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एनालाइज करते हैं। राइट हैंड साइड टैन टी पॉजिटिव है, के क्या है, के रेट कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव आ रही है। अब देखिए जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट हमने लिया है तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में वन, न्यूमरेटर में दोनों केस में है, डिनोमिनेटर में ये छोटा है तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक बड़ा नंबर आएगा इन कंपेरिजन टू इसके। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है कि एक पॉजिटिव नंबर, तो दोनों साइड पॉजिटिव नंबर आ रही है। तो कहीं भी आप कन्फ्यूज नहीं होना कि 1/CA पहले लिखना है या 1/CA0, क्योंकि याद नहीं रहेगा ना लास्ट में काफ़ी टाइम के बाद। तो जब इस टाइप के रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह से एनालाइज कर लेंगे कि यहाँ 1/CA0 पहले आएगा कि 1/CA पहले आएगा, क्योंकि अगर 1/CA0 पहले आता तो बड़ी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती, तो जो आपका निकालेंगे 1/CA0 या स्मॉल क्वांटिटी आती इन कंपेरिजन टू 1/CA के, तो वहाँ पे निगेटिव आ जाता है, तो इसलिए 1/CA पहले होगा। तो अब हम लोग के पास क्या होता है, डेटा होता है, काइनेटिक डेटा जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन कर रखा है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सी ए कंसनट्रेशन होती है, एक टाइम होता है, तो एक टाइम। अब ये पूरा अगर देखे जाए तो ये एफ सी हो गया है आपका, ये वाला टर्म एफ सी हो गया है। तो अगर वाई एक्सिस पे 1/FC रखें, वाई एक्सिस पे एफ सी रखें और टाइम टाइम के बीच प्लॉट करें, तो ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। लेकिन क्या है, हम लोग जो थोड़ा सा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बार बार आ रहा है इसको, तो बार बार उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसको इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह लिख सकते हैं, सी ए जो है सी ए नॉट को उस तरफ लेते जाइए, तो 1/CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1/CA0। अब इसकी कंपेरिजन किससे कर दीजिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आता है वाई और एक्स के बीच का कर्व जो होगा, अगर कर्व प्लॉट करें इसके बीच का, यहाँ पे अपना क्या है, टाइम है, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में y क्या है, 1/CA है। तो अब हम 1/CA वर्सेस टाइम का प्लॉट, टाइम के बीच जो है ना प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा 1/CA माइनस 1/CA0 के बीच नहीं कर रहे हैं, यहाँ यूजुअली एफ सी रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये बात बार बार कॉन्स्टेंट टर्म ऐड हो रहा है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या आता है, ये आता है इंटरसेप्ट होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा आपका कितना, 1/CA0। और ये लाइन किस तरह आपका प्लॉट आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो इस टाइप का बेसिकली ये ग्राफ आना चाहिए। अब ये कितना है आपका, ये इंटरसेप्ट है किस पे, y एक्सिस पे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/CA0। और इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप क्या आना चाहिए, स्लोप आपका आना चाहिए रेट कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। तो जो सेकंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन थी, उसको जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन के टर्म में जब रेट लॉ डेवलप किया, आपका रेट ये एनालाइज किया, तो इस तरह की अपनी आई 1/CA माइनस 1/CA0 इज इक्वल टू के टी। अब एफ सी अगर इसको मान के हम लोग प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन से पास होता हुआ आएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको रीअरेंज करके 1/CA इज इक्वल टू कर दें के टी प्लस 1/CA0, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोग कंपेयर करके इसका अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ, ग्राफ तो बेसिकली डेटा हम लोग पुट करेंगे उसके हिसाब से, टाइम है अपने पास, टाइम रखेंगे तो 1/CA इज इक्वल टू ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, 1/CA, सी अपने पास है तो 1/CA और टाइम के बीच जो प्लॉट करेंगे, तो इस तरह का ग्राफ अपने पास आना चाहिए। तो अगर इस तरह का ग्राफ आता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो फिर हम लोगों ने जो रेट ऑर्डर अज्यूम किया था वो हमारा ऑर्डर ठीक है। और अगर ऑर्डर हम लोग इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं आती है तो ऑर्डर इस तरह, इसका मतलब ऑर्डर हमने अज्यूम जो किया था वो हमारा ऑर्डर गलत था। अब अगर इसी को हम लोग किसके टर्म में लिखना चाहें, एक्स के टर्म में लिखना चाहें, देखिए इसको इस तरह टाइम के टाइम जो जैसे कैलकुलेट करना होता है,
किसी रिएक्शन में अगर बोल दिया जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वहाँ पे कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कंसंट्रेशन दे दी जाए और टाइम कैलकुलेट करना हो, तो अगर टाइम के टर्म में ये रिएक्शन आप लिखना चाहें एक्सप्रेशन को, तो टाइम निकालना है तो टाइम इसका टू क्या हो जाएगा, 1/k 1/CA माइनस 1/CA0। ये कब यूज़ होगा, जब जैसे आपको दिया जाए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, बाई मॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, उसमें कहा जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी जाएगी कुछ, और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कंसंट्रेशन दे दी जाए कि टाइम 5 मिनट बाद उसकी कंसंट्रेशन ये हो जाती है, तो आप रेट कांस्टेंट निकालिए। तो के निकालना है तो के हम लोग निकाल लेंगे, के इज़ इक्वल टू 1/T। इसी एक्सप्रेशन से अगर के हमें निकालना होगा तो कैसे करेंगे, के इज़ इक्वल टू 1/T 1/CA माइनस 1/CA0। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जब बात की जाएगी और वहाँ पे आपसे कहा जाए कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जाए कि किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ है, उसके बाद एक पार्टिकुलर टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो है चेंज हो के ये हो जाती है, मान लीजिए एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए वो हो जाती है, और रेट कॉन्स्टेंट आपको अगर दिया हुआ है कि एक इस रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट ये है, तो आप टाइम बताइए कि वो टाइम कितना लगेगा उसकी कंसंट्रेशन को जो एक पर्टिकुलर वैल्यू बता रहे हैं उस तक पहुंचने तक के लिए। तो टी इज इक्वल टू 1/k 1/CA माइनस 1/CA0, आपको CA0 दिया हुआ होगा, CA दिया हुआ होगा और रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, तो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम तक पहुंचने में, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये हम लोगों ने जो इंटीग्रल मेथड देख रहे थे वो किसके लिए था, वो जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, और किसके टर्म में हम लोगों ने देखा था, ये आपके कंसंट्रेशन के टर्म में देखा था। अगर यही कन्वर्जन के टर्म में देखना होगा तो हमारी रेट एक्सप्रेशन क्या थी, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डेल सी ए और डेल टी इज इक्वल टू के सी ए स्क्वायर, ये था। अब सी ए इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए नॉट एक्स ए होगा, सी बी इजल टू सी बी नॉट माइनस सी बी नॉट एक्स बी, इसमें सी ए नॉट सी बी नॉट सेम थे, बराबर थे, मतलब सेम मोल्स थे, तो इसलिए सी ए सी बी नॉट एक्स बी बराबर सी ए नॉट एक्स ए था, तो इसलिए हम लोग एक्स ए के टर्म में लिख रहे हैं। अगर हम लोग इसको डिफरेंशियल निकालना चाहें तो डेल सी ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होता है हम लोग जानते हैं, माइनस सी ए नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, माइनस सी ए नॉट डी एक्स ए। ये हमने पिछले भी जब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कर रहे थे तब भी देखा था कि यही आता है। अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये सेकेंड वाला इक्वेशन जो है इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, तो माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डेल सी ए और डेल टी, डेल सी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस सी ए नॉट डी एक्स ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी ए को इस तरह भी लिख सकते हैं, सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए, ये भी लिख सकते हैं। तो सी ए की जगह हम लोगों ने लिख लिया क्या, सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए इसका होल स्क्वायर। तो टर्म्स फिर सेपरेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस सॉरी ये यहाँ हमने माइनस डी सी ए की जगह माइनस वो रखा था, उसके बाहर माइनस लगा हुआ था पहले ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका सी ए नॉट डी एक्स ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए नॉट का स्क्वायर वन माइनस एक्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, के डी टी। अब देखिए एक सी ए नॉट से एक सी ए नॉट कट जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/CA0 डी एक्स ए ओवर 1 - xA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। अब ये हमारा सेकेंड स्टेप था, रीअरेंजमेंट करने के बाद जब हम लोग रीअरेंजमेंट करते थे तब उसके बाद ये एक्सप्रेशन आते थे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हमारा इंटीग्रेशन होता था, इसको इंटीग्रेशन करते थे, तो थर्ड स्टेप जो आता था वो इंटीग्रल था, और उसमें क्या है, हम लोग को लिमिट्स बतानी पड़ती थी,
टी बराबर ज़ीरो पे जो कन्वर्जन होगा आपका ज़ीरो होगा, और पार्टिकुलर टाइम टी बराबर जब किसी टाइम की बात करेंगे उस वक्त कंसन जो कन्वर्जन होगा कहेंगे कि एक्स से है। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, वन बाई सी ए नॉट बाहर हमने ले रखा है डी एक्स से, और वन माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या कन्वर्जन ज़ीरो है से एक्स से हो रहा है, और आपका के रेट कांस्टेंट है बाहर है ज़ीरो से टी डी टी। देखिए अगर इस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो रही तो दूसरा तरीका ये है यहीं से कि हम लोग उसको वन माइनस एक्स ए को स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है डी एक्स बाई एक्स का स्क्वायर या एक्स की पावर माइनस एन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, तो उसको उस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वन माइनस एक्स ए को एक वेरिएबल क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाई बोल दीजिए, ये आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आता है तो कोई इशू नहीं है। तो वन बाई एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब हमें डी एक्स ए क्योंकि निकालना है तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो माइनस डी एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी वाई हो जाएगा। और इस वक्त लिमिट क्या होंगी, हम लोग को लिमिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा जब लिमिट्स निकालेंगे इस तरह में। तो लिमिट्स में टी बराबर ज़ीरो पे, टी बराबर ज़ीरो पे तो अपना एक्स ए बराबर क्या था, एक्स ए बराबर ज़ीरो था, तो एक्स ए जब इसमें ज़ीरो रखेंगे तो वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वाई, तो वाई की जो लिमिट आ जाएगी वो क्या होगी, ज़ीरो वन हो जाएगी। और जब टी बराबर टाइम टी होगा तो एक्स ए बराबर क्या था अपना, एक्स ए था, तो वहाँ पे अपनी लिमिट क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू वाई। तो वाई की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वन से, जैसे उसके ज़ीरो से एक्स ए थी तो वन से वन माइनस एक्स ए तक वेरी कर रही है लिमिट। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हों, अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं इंटीग्रेट करते तो रिप्लेस करके कर लेते हैं, तो हम लोग जस्ट उसको रिप्लेस करके कर रहे हैं। तो वन बाई सी ए नॉट तो बाहर था, तो वन बाई सी ए नॉट हमने बाहर रख लिया। अब क्या हुआ, डी एक्स ए की जगह अपना क्या आया, डी एक्स ए की जगह माइनस डी वाई आ जाएगा, तो माइनस डी वाई हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपॉन वन माइनस एक्स ए के स्क्वायर की जगह, हमने वन माइनस एक्स ए की जगह हमने क्या माना था, वाई माना था, तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब लिमिट्स कहाँ से वेरी कर रहे थे, पहले ज़ीरो थी एक्स ए थी, तो जब ज़ीरो थी तो अपनी लिमिट क्या आई थी, ये वन आई थी, तो अपनी लिमिट वन से कहाँ तक हो जाएगी, वन से वन माइनस एक्स ए तक आपकी लिमिट हो जाएगी। और राइट साइड आपका क्या है, वो राइट साइड सिंपल था तो हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, के डी टी, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग का। क्या कि हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था और हमें लगा कि हमें इंटीग्रेशन में होगी क्या डिफ़िकल्टी होगी, तो हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि वन माइनस एक्स ए को हम लोग वाई में, वाई एक नया वेरिएबल मान लेंगे, वन माइनस एक्स ए बराबर वाई है, तो क्योंकि डी एक्स ए के टर्म में लिख रहे थे इंटीग्रल जो डी एक्स ए में था, तो वाई में हमें करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो माइनस डी एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो डी एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई। तो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे सारे टर्म, डी एक्स ए की जगह माइनस डी वाई रख दिया हमने, यहाँ माइनस डी एक्स ए इज इक्वल टू डी वाई था, तो आप अगर डी एक्स बराबर माइनस डी वाई इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हमने माइनस डी वाई लिख दिया, ये कॉन्स्टेंट था, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। अब लिमिट्स चेंज करनी थी, पहले आपके ज़ीरो से वन जा रहे लिमिट, जब हम ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स ए की वैल्यू जब ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू अपनी कितनी आएगी, वन आएगी, और जब एक्स ए की वैल्यू एक्स ए होगी तो वन माइनस एक्स ए, तो अपनी लिमिट वन से वन माइनस एक्स ए हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस साइन बाहर ले लेंगे, वन माइनस सी ए नॉट वन से वन माइनस एक्स ए डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ज़ीरो से टी डी टी। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली इंटीग्रेट करके।
तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग को आता है 1/x dx/x² का इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने देखा था क्या होगा, 1/-x होता है। तो अपने पास क्या है 1/-ca0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब y है तो अपना क्या होगा -1/y, और लिमिट्स कहाँ से हैं, 1 से 1 - x है तक, इज इक्वल टू आपका क्या है kt, लिमिट्स इसकी 0 से t हम लोग लगा देंगे। इसको फर्दर माइनस माइनस साइन बाहर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/ca0 1/y 1 से 1 - x है, इज इक्वल टू क्या हुआ kt - 0, आपने लिमिट्स रख दी। तो हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने जो हैं लिमिट्स जो है वो रख देंगे नेक्स्ट इधर वाले टर्म में, तो 1/ca0 1/ca0 है, पहली लिमिट क्या होगी 1/(1 - x) एक से माइनस 1 की जगह 1/(1), ये अपनी लिमिट्स सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ t - 0 तो 1/kt हो गया। तो इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, ca0 का टर्म जो है ना कांस्टेंट है तो उसको राइट साइड ले के चले जाएं, तो 1 - x इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या हो गया ca0 kt। इसको क्या हुआ, ca0 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीज़न में था तो उधर हम लोग ले गए, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला आया। अब हम लोग क्या बेसिकली xa को हम लोग सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, xa के डायरेक्ट सारे टर्म लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे LCM लेके वो करेंगे तो अपना क्या आएगा 1 - 1 - xa/(1 - xa) लेफ्ट साइड ये पूरा हो गया इज इक्वल टू ca0 kt 1 - 1 + xa/(1 - xa) इज इक्वल टू ca0 kt 1 - 1 + 1 आपका कट गया, तो xa/(1 - xa) इज इक्वल टू ca0 kt। हम लोग सारे एक्सप्रेशन में क्या कर रहे थे कि ca0 राइट साइड में kt लिख रहे थे, तो इसलिए अब ca0 को फिर हम लोग इधर ले आएंगे, पहले भी रहने देते तो कोई इशू नहीं था, जस्ट हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो 1/ca0 आप राइट साइड भी रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, 1/xa/(1 - xa) इज इक्वल टू क्या हुआ आपका kt। अब बेसिकली हम लोग जो है ना स्लोप इसको या इसी एक्सप्रेशन को फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y = mx का फॉर्म बन गया है यहाँ से, ये y का टर्म है पूरा, और ये क्या है, ये अपना m जो होगा स्लोप है ca0 × k है, और टाइम जो है ना x है, तो इसका बीच इसका हम लोग प्लॉट कर ड्रॉ कर सकते हैं। प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो अपना यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम आएगा, और y एक्सिस पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, xa/(1 - xa), क्योंकि हम लोगों ने जब काइनेटिक डेटा कलेक्ट किया था, काइनेटिक डेटा जनरेट किया था, तो वहाँ पे x से कन्वर्जन निकाला था, तो हम डिफरेंट टाइम पे हमारे पास कन्वर्जन था। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे xa/(1 - xa) वर्सेस टाइम के बीच में, तो जैसे जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन x से 0 हो जाएगा /(1 - 0), तो 1 तो पूरा ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दिख भी रहा है y = mx + mx से, क्योंकि यहाँ पे c कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो डिफरेंट टाइम पे जो है हम लोग ऐसे दूसरे टाइम पे जो x से होगा उसके हेल्प से xa/(1 - xa) हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डिफरेंट टाइम्स पे जो अपने एक्स के वैल्यूज़ होंगे, हो सकता है सारी वैल्यूज़ जो है ना स्ट्रेट लाइन पे फॉलो ना करें, लेकिन ज़्यादातर जो डेटा पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन से पास होना चाहिए।
तो अगर इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिलता है एक्स ए अपॉन वन माइनस एक्स ए का, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो ऑर्डर अज्यूम कर रखा था उस रिएक्शन का, वो ऑर्डर सही है और जो हमने रेट डेवलप किया है वो ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप यहाँ से देखिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए नॉट इंटू के, ये स्लोप हो गया। तो हम लोगों ने आज जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बाई मॉलिकुलर, जिसमें ये तो एक ही कम रिएक्टेंट हो सकता है, उसके दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स रिएक्ट कर रहे हों, या दो डिफरेंट रिएक्टेंट हो सकते हैं, उनके इक्वल मोल्स जो है ना लिए थे हम लोगों ने। और फिर हम लोग के पास एक्सप्रेशन आई थी, जो अगर कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेशन क्या आई थी, 1/CA माइनस 1/CA नॉट इज इक्वल टू के टी, या के इज इक्वल टू हमने लिखा था 1/CA माइनस 1/CA नॉट। ये किसके लिए थी? फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये जो एक्सप्रेशन आई थी अपनी किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखना चाहें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी? तो CA बेसिकली हम लोग किस में लेंगे, मोल पर लीटर में लेंगे या मोल्स पर मीटर क्यूब में लेंगे? तो टाइम जैसे अगर हम लोग सेकेंड में ले रहे हैं तो 1/सेकेंड आएगी इसकी यहाँ पे, और ये क्या होगी CA की, ये भी कंसंट्रेशन, ये CA की, तो एक ही में लिखें तो 1/मोल पर लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि CA कंसंट्रेशन दोनों सेम है तो इसलिए एक ही की लिख रहे हैं, यूनिट्स सेम है सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल डिवाइड बाई 1/सेकेंड, ये आई के यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। और देखते हैं कि यूनिट सही है कि नहीं है। हम लोगों ने जब के की यूनिट पर लाया तो के की यूनिट क्या होती थी, अगर जब हम मोल पर लीटर के टर्म में लिखते थे तो मोल पर लीटर की पावर 1-n इंटू सेकेंड, 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। तो n बराबर जब 2 था, n की वैल्यू जब 2 होगी तो अपना क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1-2 या 1/सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये माइनस वन आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो लीटर पर मोल इंटू 1/सेकेंड। तो हमारी यूनिट्स भी ठीक आ रही हैं। इसी तरह अगर के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर जो लास्ट लेक्चर में डेवलप किया था, तो याद अगर आप लोग को हो तो हम लोगों ने क्या किया था, ln माइनस ln CA ओवर CA नॉट इज इक्वल टू KT था। ये किसके लिए था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ से K की अगर निकालना चाहें तो K इज इक्वल टू क्या होगा, 1/T माइनस ln CA ओवर CA नॉट। अब देखिए यूनिट की जब बात करेंगे तो CA वाई CA नॉट दोनों की यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी और एक नंबर आ जाएगा, और नंबर का ln भी लेंगे, किसी भी चीज़ का ln लेंगे तो कि नंबर आता है, और नंबर की जो है ना कोई यूनिट नहीं होती। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, जो टाइम की यूनिट होगी उसका इन्वर्स, तो 1/सेकेंड। तो इस यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, K इज इक्वल टू, जब आप n इज इक्वल टू 1 रख देंगे आप लोग तो 1 माइनस 1 तो 1-1 जीरो हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर या किसी भी चीज़ का पावर जो है ज़ीरो लिखेंगे तो हमेशा 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा और सेकेंड, तो 1/सेकेंड। तो K की यूनिट इसमें क्या आ गई, 1/सेकेंड। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो रेट एक्सप्रेशन डेवलप किए थे वहाँ से K की यूनिट जो है ना वो अप्रोप्रिएट आ रही है, जो यूनिट होनी चाहिए। तो आज बेसिकली हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस के इंटीग्रल मेथड से एनालिसिस की कि किस तरह रेट आपकी एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो एक्सप्रेशन हमारी 1/CA इज इक्वल टू 1/CA माइनस 1/CA इज इक्वल टू KT बनी थी जब हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे थे, वही जब हम लोग एक किसके टर्म में लिख रहे हैं, कन्वर्जन के टर्म में लिख रहे हैं, तो XA अपॉन 1-XA इज इक्वल टू CA नॉट KT। तो चाहे हम 1/CA वर्सेस टाइम के बीच में प्लॉट कर रहे थे ग्राफ, तो आ रहा था अपना ये स्लोप, ये ग्राफ आया था वहाँ पे, क्योंकि इंटरसेप्ट था तो ग्राफ जो है ना ओरिजिन से नहीं पास हो रहा था,
ऊपर से पास हो रहा था, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे 1/ca0 था, तो यहाँ से स्लोप से जो वैल्यू आ रही थी वो किसकी आ रही थी, के की। और इस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का है, यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो कहाँ से पास होगा, वो ओरिजिन से पास होगा। और आपका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, सी ए नॉट इंटू के, बाई टाइम को छोड़ के जो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सी ए नॉट इंटू के ये आपका स्लोप होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का देख लिया इंटीग्रल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड ऑर्डर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन का देखेंगे, लेकिन वहाँ पे जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया था कि दोनों रिएक्टेंट का सेम है, सी ए नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, उस केस की बात करेंगे जब इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों, जब दो रिएक्टेंट, दो अलग अलग रिएक्टेंट होंगे, उनके एक एक मॉलिक्यूल्स या एक एक एटम्स रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, तब देखेंगे कि हम लोग रेट, ये काइनेटिक्स किस तरह की आती है, जो रेट लॉ जो हम लोग डेवलप करते हैं तो एक्सप्रेशन किस तरह की आती है।